अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो इब्बू, माना कि तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी हो, मगर हर वक्त उसका डिस्प्ले क्यों देती रहती हो? अरे बाबा छोड़ो ना इसे, फिर गेटिंग लेट। लेट हो तो हम हो ही नहीं सकते मन्नू, तुम्हारी तूफान जैसी स्पीड के वजह से हम आज भी बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। टाइम पे पहुंच तो गए, पर तुम्हारी ये कढ़ाई बुनाई व्हाटएवर हमें लेट करा देगी। अब रखो इस मुसीबत को प्लीज। ए मुसीबत नहीं है, अम्मी का गिफ्ट है, संभाल के बोलो तुम। कल शाम को देना है इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ। कभी ना कभी तो दुनिया जहान को मालूम हो ही जाएगा ना कि इबादत के साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अम्मी उसे गैर समझा जाता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, इबादत को कोई गैर नहीं समझता, वो हैदर की बेटी है, उसके रगों में सिर्फ हैदू का खून नहीं है, उस मनहूस गजल का भी है। अम्मी खुदा के वास्ते, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उसका नाम इस घर में मत लिया करिए। मैं नहीं चाहती कि अख्तर खानदान की नई पीढ़ी पर उसके नाम का साया भी पड़े। वो और उसका नाम दोनों दफन हो चुके हैं। इबादत दुनिया के लिए हैदर और मेरी बेटी है, मन्नत की जुड़वा बहन है, और यही हकीकत है अम्मी, जिस पर से कोई पर्दा नहीं हटाएगा, ना आप ना आप ना मैं और ना इस घर का कोई और शख्स। दुआ इबादत तेरी कौन है? मैं मानती हूं दुआ, और बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि तूने इबादत को वो सब कुछ दिया है जो तूने अपनी बेटी के लिए किया है। ऐशो आराम की जिंदगी, बेहतरीन तालीम, खूबसूरत मुस्तकबिल, मगर कल इबादत की 22वीं सालगिरह है, उसे वो तोहफा दे जिसके लिए वो बचपन से इंतजार कर रही है। एक बार इबादत को बेटी कहकर सीने से लगा ले, अल्लाह कसम इससे बेहतर तोहफा उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा बता मन्नू, कैसा है ये तोहफा? हमेशा की तरह सुपर ऑसम। एक बात बताओ, लेकिन बर्थडे हमारा है कल, हम दोनों को गिफ्ट मिलना चाहिए। तुम अम्मी के लिए गिफ्ट तैयार कर रही हो? तुम हर साल ये सवाल पूछती हो, इस बार इसका जवाब जरूर मिलेगा। बस दुआ करो कि अम्मी को मेरा गिफ्ट पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गया तो कल इस मिस्ट्री से पर्दा उठा ही दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।